हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली आज घर से व्लॉग कर रही हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैंने सारा काम कर लिया है, तो इस बार मैं बिगड़ा हुआ घर आपको बताती हूँ। क्योंकि नवरात्रि तो हो जाती है, नवरात्रि के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी बज रहे टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहता। 4:30 बजे मैंने 3 बजे नाश्ता किया है। उठ तो गई थी मैं 2 बजे, पर मैंने 3:30 बजे नाश्ता किया है, वो भी मैंने खाखरा खाए। ऐसी हालत होती है, साइड इफेक्ट, बनाने का टाइम नहीं, घर का काम, फिर जो मिले उसमें खा लेना है, बनाने का पेशेंस नहीं, क्योंकि उठते हैं अलग टाइम पे। तो सारी चीज़ें नवरात्रि के बाद 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहता है शेड्यूल, फिर जाके कहीं सेटअप होता है। घर के आदमी लोग रहते हैं उनका तो थोड़ा बहुत सेटअप हो जाता है, पर लेडीज का रिकवर होने में, घर का काम पूरा करने में 2-3 दिन चले जाते हैं। तो मैं आपको घर का लुक बताती हूँ। अभी तो बहुत बेटर है, जबकि लास्ट 3 दिन की ये हालत है जब मैं काम नहीं कर पाई। और सॉरी गाइज, मैं गरबा खेलने जाती थी पर वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल था। और उसमें से मैंने 9 दिन का चैलेंज ले लिया था कि मैं माताजी के दर्शन करवा लूँगी, तो उस वजह से मेरा बहुत टाइट शेड्यूल हो गया था, इसलिए सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाई। पर अभी मैं दिखा रही हूँ कि घर की हालत क्या है। लास्ट 3 दिन में मैंने काम नहीं कर पाई, उसकी वजह से मेरे घर की हालत क्या है। अगर मैं 9 दिन नहीं कर पाती क्लीनिंग, तो मेरे घर की हालत मैं सहन नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार मैं लुक दिखाती हूँ आप लोगों को घर की। यहाँ पे आधे कपड़े जो मेरे लेके गए थे उनके पास है, ये धोने के हैं, ये धो चुके हैं और ये भी धुल चुके हैं, आधे अधूरे धोने, जहाँ तहाँ जैसे जैसे चीज़ें पड़ी है। किचन की हालत देख लो और ये देख लो, यहाँ की हालत भी बहुत अजीब तरीके की है। नीचे भी कुछ भी पड़ा है, यहाँ पे कचरा, यहाँ पे टाइसन का शेड्यूल भी हमारे हिसाब से चल रहा है। और ये देखो बेड एकदम वर्स्ट हालत में बता रही हूँ घर की। ये देखो यहाँ पे कहीं कुछ ठिकाना नहीं है, सब सेटअप करना है। यहाँ पे जैसे तैसे जो आया वो रख दिया है। और आपको आयरन के कपड़े बताती हूँ मैं, यहाँ पे इतने सारे आयरन के कपड़े हैं। और ये देखो, ये देखो इतने सारे आयरन के कपड़े हैं, जबकि मैंने आपको बोला कि मैं लास्ट 3 दिन के कर नहीं पाई हूँ। अगर नहीं कर पाती तो धोने के भी इतने ही कपड़े होते, तो आपने देखा कि ऐसी हालत रहती है। अब ये सेटअप करने में मुझे टाइम लगेगा और मैं आराम से करूँगी, क्योंकि कोई जल्दबाजी में ये काम नहीं होने वाला। तो अभी नवरात्रि पूरी हो चुकी है, इसीलिए आराम से 1 बाय 1 क्लीनिंग डीप से करूँगी। तो बस यही अपडेट देना था कि नवरात्रि में या कहीं पे भी जो भी मजे करे, उसके बाद की क्या हालत होती है। उल्टा अभी नींद भी नहीं आएगी रात को, तो जो भी गरबा खेलने जाते हैं वो तो सब रिलेट करेंगे ही करेंगे कि रिकवर होने में भी हमको ऐसे तो बॉडी से तो 3-4 दिन में रिकवर हो जाएंगे, पर माइंड से रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है, एक अलग ही माहौल होता है। तो अभी वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि आना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रात के 1 बजने को आए हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं दूध बना के पी रही हूँ और बिग बॉस देख रही हूँ। तो फाइनली दोस्तों, अब जाके काम पूरा हुआ है। अब जाके मीन्स आपको बताती हूँ कि लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था वो बीता हुआ कल यस्टरडे का था, और आज दूसरा दिन हुआ है और टाइम हुआ है 7 बजे, तब जाके घर का काम मैं कर पाई हूँ पूरा। आज मैंने पोछा लगाया है, तो भी आप देख लो बहुत सारे कपड़े पड़े पर बहुत क्लीन है। ये बेडशीट भी धोने को डाल दिया, तो अब जाके देख लो। और यहाँ पे भी बहुत सारी क्लीनिंग हो गई है, देख लो पूरा 8 to Z अभी क्लीन हो गया है। मोस्टली जो जो चीज़ पेंडिंग है या कहीं से आनी है, ऑल्ट्रेशन थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि पहन पहन के थोड़ा बहुत फट भी जाता है, तो मैं प्रिपेयर करके ही रखती हूँ। कोई एक आधा छूट गया था लास्ट टाइम, तो वो मुझे अभी मैंने सोचा है कि अभी सिल के ही रख दूँ, वरना नेक्स्ट ईयर ही बारी आएगी और जब भी बारी आएगी सीधा डायरेक्ट पहनने के टाइम में याद आएगा, इसलिए मैं पूरा रेडी करके अभी रख ही दूँगी। तो ऐसा कुछ फीवर चलता है, और पूरी रात आपने जैसे कि देखा मैं 5 बजे मॉर्निंग को सोई हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई है मुझे।
दोपहर में मैं 2 घंटा सो गई थी। अभी पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं रात को, अभी ये जो रात है उसमें मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दिवाली आ रही है। अभी किया सफाई क्लीनिंग जो भी है आपने स्टार्ट कर ली क्या? मैंने ऑलरेडी किचन तो कर लिया था जैसा कि आपको पता है, बस मुझे दूसरा थोड़ा बहुत करना है, तो वो वन बाय वन जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगी। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा सा ही मैंने इसके लिए शूट किया था कि नवरात्रि के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बस थोड़ा बहुत बताना था। बहुत सारा था पर मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ही। तो सबकी यही हाल है। तो मैं तो मुश्किल से सारे कपड़े धो के सुखाए थे। यहाँ पर देख सब जगह कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, और बज रहे देख लो ढाई, और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। मैं बाहर से बताती हूँ, पूरी रात बारिश आई है। ये देखो बारिश ही बारिश है, बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी बारिश। ये देखो मेरे को कैसे देख रहा है। अयो यो 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 ए हीरो थाईसान। अभी बस सब आयरन के कपड़े लेके बैठ रही है, जितना होगा उतना करूंगी। बहुत सारे कपड़े, ये देखो ये दूर से दिखा रही इसलिए पता नहीं चल रहा आप लोगों को, बहुत सारे कपड़े हैं। तो देखती हूँ कितने फिनिश हो पाते हैं। मैं सारे नहीं करूंगी, थोड़े थोड़े मिला के करूँगी। तो यहाँ पे टाइसन के चावल भी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट होने को आ गए, तो ये देखने के लिए आई थी। तो बस फिनिश करती हूँ वन बाई वन। तो आज तीसरा दिन है व्लॉग में, और मैंने आपको बताया था कि सारे कपड़े धोने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे देख लो ये आज तीसरा दिन है, कपड़े मैंने बस सिर्फ नीचे लिए हैं क्योंकि जो मशीन से धोए थे वो तो सूख गए, उसमें स्मेल नहीं आ रही है। जो मैंने हाथ से धोए थे उसमें स्मेल आ रही है। तो सारा कुछ इकट्ठा चल रहा है, 3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, ऐसा वेदर है बेंगलोर में। और आज तो स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस सब बंद है, तो देखते हैं। अभी कल तो बता रहे हैं कि धूप आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और पूरा लेजीनेस चल रहा है नवरात्रि के बाद समझो, तो काम में तो चल ही रहा था, खाने में भी चल रहा था, वेदर में भी हो गया है, तो सब साथ इकट्ठा हो गया है। और बस अभी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।